Should the condition under which total internal reflection occurs. पहली कंडीशन है व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, और दूसरी एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम. अगला पार्ट है वन फेस ऑफ प्रिज्म विद अ रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री. प्रिज्म ये है और उसका रिफ्रैक्टिंग 30 डिग्री है. इज कोटेड विथ सिल्वर, सिल्वर मतलब मिरर बना दिया है उसको, एक फेस मिरर है. अरेज इंसिडेंट ऑन एन अदर सरफेस एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. नॉर्मल बना लो पहले सरफेस से और 45 डिग्री पर है. इज रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सिल्वर कोटेड फेस. अच्छा, रिफ्रैक्ट होता है और रिफ्लेक्ट होता है सिल्वर कोटेड फेस, सच दैट इट एंड इट रिट्रेसेस इट्स पाथ. अच्छा, वापस लौट के आ जाता है ऐसे. ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब ये 90 पर गिरे, तभी तो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी. तो 90 ये हो गया, तो ये 60 हो गया, और ये कितना 30 हो गया. फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल. तो 30 मिल गया ना, आ जाएगा आंसर. म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर. तो म्यू इक्वल्स टू साइन 45 बाय साइन 30, 1/√2 अपॉन 1/2. आंसर इज √2.